क्वांटम दुनिया, जिसने अपने वियर्ड और रैंडम प्रेडिक्शन से हमेशा से ही वैज्ञानिकों को परेशान किया है, जिन्हें कई बार क्लासिकल फिजिक्स के नियमों को तोड़ा है। आज के इस वीडियो में हम क्वांटम फिजिक्स के कुछ रहस्यमय टॉपिक्स में से एक टॉपिक की बात करेंगे, जिसने शुरुआत में उस समय के वैज्ञानिकों को काफ़ी परेशान किया था। जिनमें से एक वैज्ञानिक सर अल्बर्ट आइंस्टाइन भी थे, जिन्हें हमेशा से ही क्वांटम थ्योरी पर डाउट था और उन्हें क्वांटम फिजिक्स कभी हजम हुई ही नहीं थी, जिसको गलत साबित करने के लिए उन्होंने अपने दो साथी बोरिस पोडोल्स्की और नॉर्दन रोजन के साथ मिलकर EPR पैराडॉक्स की नींव रखी थी। इसको पैराडॉक्स इसलिए कहा गया था क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि दो पार्टिकल्स के बीच में इन्फॉर्मेशन लाइट की स्पीड से भी तेज चल रही है, जो कि आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी को वायलेट कर रहा था। यूँ तो आइंस्टाइन और उनके साथियों ने EPR पैराडॉक्स की नींव क्वांटम फिजिक्स को गलत साबित करने के लिए रखी थी, लेकिन हुआ इसका उल्टा और हमें एक रहस्यमय टॉपिक यानी क्वांटम इंटेंगलमेंट के बारे में जानने को मिला। खैर, उसमें ज़्यादा आधुनिक उपकरण ना होने के कारण इसको सिर्फ एक थॉट एक्सपेरिमेंट की तरह ही माना गया, लेकिन जब बाद में इसको एक्सपेरिमेंटली किया गया तो पता चला कि गलत क्वांटम थ्योरी नहीं बल्कि सर अल्बर्ट आइंस्टाइन थे। तो आज के इस एपिसोड में हम क्वांटम इंटेंगलमेंट और EPR पैराडॉक्स के बारे में जानेंगे, तो बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। सन 1920 के दशक में आइंस्टाइन और नील बोर के बीच में एक बड़ी बहस छिड़ गई। आइंस्टाइन का मानना था कि हमारी रियलिटी यानी वास्तविकता फिक्स है, फिर चाहे हम उसे ऑब्जर्व कर रहे हों या फिर ना कर रहे हों। वो कहते थे कि चांद अपनी जगह पर ही रहेगा, हम उसे ऑब्जर्व करें या ना करें इससे उसकी जगह में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं नील बोर का मानना था कि हमारी रियलिटी फिक्स नहीं है, जब तक हम उसे ऑब्जर्व नहीं करते तब हमारी रियलिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती है, यानी किसी भी पार्टिकल को जब तक हम लोग ऑब्जर्व नहीं कर लेते तब तक वह अपनी हर पॉसिबल स्टेट में मौजूद रहता है, जिसे हम सुपरपोजिशन स्टेट कहते हैं। और जैसे ही हम उस पार्टिकल को ऑब्जर्व करते हैं उसका वेव फंक्शन कोलैप्स हो जाता है और उन सभी पॉसिबल स्टेट में से किसी एक ही पॉसिबल स्टेट का चुनाव होता है और वही हमें दिखाई देती है, जिससे हमें ये लगता है कि वही स्टेट उस पार्टिकल की एक्चुअल स्टेट है। लेकिन असलियत तो ये है कि उन सारी पॉसिबल स्टेट्स में से किसी भी स्टेट का चुनाव हो सकता है। आइंस्टाइन को नील बोर की थ्योरी बिल्कुल भी सही नहीं लगी। वो अभी भी यही मानते थे कि हमारी रियलिटी हमेशा से ही फिक्स रहती है, जिसमें हमारे द्वारा उसको ऑब्जर्व करे जाने या ना करे जाने पर उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्वांटम थ्योरी के वियर्ड प्रेडिक्शन के बारे में आइंस्टाइन का मानना था कि क्वांटम फिजिक्स अभी कंप्लीट नहीं है, इसमें लोकल हिडन वेरिएबल्स होने चाहिए जो कि वेव फंक्शन को लिए जानकारी देते हों कि आगे कौन सी स्टेट का चुनाव होना है। क्वांटम फिजिक्स को गलत साबित करने के लिए उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर EPR पैराडॉक्स को लोगों के सामने रखा। खैर, उस समय ज़्यादा इक्विपमेंट ना होने के कारण उसे सिर्फ थॉट एक्सपेरिमेंट की तरह ही माना गया था। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था, EPR पैराडॉक्स में पैराडॉक्स वर्ड का इस्तेमाल इसलिए किया गया था क्योंकि यहाँ दो पार्टिकल के बीच में इन्फॉर्मेशन प्रकाश की गति से भी कई गुना तेजी से फैल रही थी, जो कि आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी के उस नियम को तोड़ रहा था, जिसमें कहा गया था कि किसी भी हालत में इन्फॉर्मेशन लाइट की स्पीड से तेज नहीं चल सकती। तो चलिए अब क्वांटम इंटेंगलमेंट के बारे में समझ लेते हैं। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जब तक हम किसी भी पार्टिकल को ऑब्जर्व नहीं करते हैं तब तक वो अपनी सारी पॉसिबल स्टेट में मौजूद रहता है, जिसे सुपरपोजिशन स्टेट कहते हैं। चलिए इसको एक अच्छे से एग्जांपल से समझते हैं। अगर हम एक न्यूट्रॉन को लें जिसका चार्ज जीरो होता है और उसको दो इक्वल पार्टिकल्स में डिवाइड कर दें, तो एक पार्टिकल का चार्ज पॉजिटिव होना चाहिए और दूसरे पार्टिकल का चार्ज निगेटिव होना चाहिए, ताकि उन दोनों को जोड़ने में उसका चार्ज जीरो आए। लेकिन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के कारण एक ही पार्टिकल अपनी दोनों पॉसिबल स्टेट में रहेगा, यानी दोनों पार्टिकल्स का चार्ज एक ही समय पर पॉजिटिव भी होगा और उसी समय पर निगेटिव भी होगा। लेकिन जैसे ही हम उस पार्टिकल को ऑब्जर्व करेंगे तो उसका वेव फंक्शन कोलैप्स हो जाएगा और उसके एक ही चार्ज का चुनाव होगा, या तो वो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव।
अब क्योंकि हमने न्यूट्रॉन जिसका चार्ज जीरो होता है उसको दो इक्वल पार्टिकल्स में तोड़ा था, तो अगर उनमें से एक पार्टिकल का चार्ज पॉजिटिव है तो दूसरे पार्टिकल को निगेटिवली चार्ज होना ही पड़ेगा, ताकि उन दोनों को ऐड करने पर प्लस और माइनस आपस में कैंसिल हो जाएं और चार्ज वापस से जीरो आए। तो ऐसे पार्टिकल्स को इंटेंगल्ड पार्टिकल कहा जाता है। अब अगर हमें ऐसा इंटेंगल्ड पार्टिकल का पेयर मिल जाए और अगर पहले पार्टिकल को ऑब्जर्व करने में उसका चार्ज पॉजिटिव मिलता है तो उसी टाइम पर दूसरे पार्टिकल का चार्ज निगेटिव हो जाएगा, भले ही वो पार्टिकल पहले पार्टिकल से कितना भी दूर क्यों ना हो, भले ही वो पार्टिकल यूनिवर्स के दूसरे कोने में हो, लेकिन इन्फॉर्मेशन को उस पार्टिकल तक पहुंचने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा, और इसी प्रोसेस को क्वांटम इंटेंगलमेंट कहा जाता है। तो क्वांटम इंटेंगलमेंट के एक एप्लीकेशन यानी क्वांटम टेलीपोर्टेशन के बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। तो मिलते हैं आपसे किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।